नमस्कार दोस्तों, आज की ये मोटिवेशनल स्पीच आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव जरूर लेके आएगा, तो पूरी सुनिएगा। जब साल शुरू होता है तो हम सभी कुछ ना कुछ वादा जरूर करते हैं। माँ, इस साल घर की तकलीफ दूर कर देंगे। पापा, अब आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहन, तू फीस की टेंशन मत ले, मैं हूँ ना। वादे के अनुसार कुछ दिनों तक एकजुट होकर अपने लक्ष्य के प्रति खुद को समर्पित करते हैं। फिर जैसे जैसे दिन, हफ्ते और महीने बीत जाते हैं, धीरे धीरे फिर से वही आलस्य कल पर टालते हुए काम, सोशल मीडिया और स्मार्टफोन एडिक्शन के लत में जकड़ते हुए एक एक समय का दाम बेदाम हो जाता है। पता नहीं कैसे सब जानते हुए भी इस मतलबी फरेबी लोगों के साथ फिर से अपना दिल लगा लेते हैं। जिस जगह पर समय की बर्बादी होती है, पल भर की खुशी के लिए वहीं जाकर अपना कीमती वक्त बर्बाद कर देते हैं। साल के शुरू में लगता था कि बहुत टाइम है, पूरा साल है अपने पास। पूरा साल कैसे निकल गया, मुश्किल से अब कुछ ही महीने बचे हैं और हर बार की तरह इस साल भी पीछे रह गए। कभी सोचा है कि कितना टाइम बचा है? वादे तो बहुत किए थे कि इस किराए के घर को छोड़कर खुद की जमीन लेंगे और एक सुंदर सा घर बनवाएंगे और घर की तकलीफ खत्म कर देंगे। एक घर को बनने में भी एक साल का समय लग जाता है। कभी अपनी उम्र देखी है? कभी खुद को कैलकुलेट किया है? सपनों का घर बनाने में कितने साल लग जाएंगे? सपने तो बहुत बड़े और भी हैं। माफ करना, आज बहुत डीप बोल रहे हैं, लेकिन मेरी एक और बात याद रखना, अपनी उम्र और इनकम के साथ हमें उनकी उम्र और हेल्थ का भी ख्याल कर लेना चाहिए जिन्होंने हमें इस धरती पर लाया, जिन्होंने हमें ये दुनिया दिखाई, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि जो हम सोच लें वो कर सकें, जिनके लिए हम ये सपने देखते हैं, खुद कामयाब होकर जिनको सारी खुशी देना चाहते हैं। बस ध्यान देना, हमारी कामयाबी का सफर इतना लंबा ना हो जाए कि जिसके लिए हम कामयाब होना चाहते हैं वो ही हमारे पास ना रहे। हमारी भी गिनती उन बदकिस्मत संतानों में ना हो जाए जो जीते जी अपनी मौज मस्ती के लिए अपने भगवान जैसे माता पिता को तकलीफ दे जाएं। इस दुनिया में हर कोई एक ना एक दिन कामयाब तो हो ही जाता है। कामयाबी छोटी हो या बड़ी, वो हमारी सोच पर निर्भर करती है। किसी के लिए उसकी कामयाबी नौकरी, एक खुद का घर, किसी के लिए खुद का स्टार्टअप और खुद की कंपनी होती है। वो निर्भर करता है उसकी सोच पर। हम भी अपनी सोच के अनुसार एक ना एक दिन वो बन जाएंगे जो हम चाहते हैं, लेकिन वह कामयाबी किस काम की जब हमारे साथ वो ना रहे जिसके लिए हम कामयाब होना चाहते हैं। वो कामयाबी किस काम की जो एक उम्र के बाद मिले। आज की जो एनर्जी है ना, पता नहीं कल ये हो ना हो। आज जीने के लिए कितना टाइम है, पता नहीं कल ये हो ना हो। आज जो काम करने का मौका मिला है, पता नहीं कल ये मौका मिले या ना मिले। समय तो भाग रहा है। खुद से जो वादा किया था ना, उसको पूरा करने के लिए हमें लड़ना है, मेहनत करनी है। पता नहीं कल ये लड़ने की ताकत रहे या ना रहे। वो कहते हैं ना, समय की कदर करना सीख लो, वरना तुम्हारी कोई कदर नहीं करेगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। जय श्री श्याम। सनातन धर्म से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।